देखिए, ये कांवर यात्रा हम मानव जीवन का आधार हो चुका है, और यही नहीं, यूपी या ब्रह्मांड के हर जगह पे भगवान महादेव का वर्चस्व है। और लोग बोलबम का नारा लगाते हुए जो आते हैं, उसका क्या फल मिल सकता है? बोलबम का अर्थ ये हुआ, जब महादेव के ही एक उनके जो ससुर जी थे दक्ष प्रजापति, जब उनका सर धड़ से अलग किए महादेव, महादेव दीन वत्सल हैं, सदैव लोगों का कष्ट हरने वाले हैं, तो जब कटा उनका, तो जब बकरे का सिर लगा तो अनेकानेक भाव में वो बोलने लगे, तो बोल बम का नहीं, बुम बम जब करते हैं तो इससे वो प्रसन्न होते हैं। हालांकि हम लोग उस तरीके से बोल नहीं पाते, इसलिए कहते बोल बम। साधारण महाराज अयोध्या के हैं, हनुमान जी को हनुमनऊ कहते हैं और भगवान शिव को शंकरऊ कहते हैं। बड़े प्रेम करते हैं वो महादेव और हनुमान से, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान और महादेव बाबा हमको देश मांग में सुख दे कि हम रोज बाबा का दर्शन कर सके। आप कुछ नहीं चाहते बाबा से कि मैंने रोज हम बाबा का दर्शन। नमस्कार साथियों, मैं हूं योगेश, और आज देखना शुरू कर चुके हैं भारत नेशन, और भारत नेशन के माध्यम से जैसा कि आपने आपको मैंने दिखाया पिछले वीडियो में, और बहुत सारे जो पड़ाव थे उनको भी दिखाया, और आज हम पहुंच चुके हैं बाबा के दरबार में, और यहाँ बहुत सारे भक्तजन हैं। भक्तजनों से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कठिन रास्ता को कैसे सफल बनाया, और आज बाबा के दरबार में आने के बाद किस तरीके से जलाभिषेक किए, और उनको मन में कैसा लगा, उनकी खुशी क्या रही होगी, इन सभी बातों पर हम जानने का प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो हाथ में बांधने के लिए वो धागा हैं, और हमारे साथ एक भक्त जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। बाबा आप कहाँ से हैं? हम जिला से आए हैं, मोतिहारी जिला से आए हैं, बिहार, सुगौली बाजार। अच्छा, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, रास्ते में क्या क्या किन किन कठिनाइयों से गुजर के यहाँ आए, और आने के बाद आपको की कृपा है? महादेव जी ने हमें बुलाया है, चरण में स्वीकार किए हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मगर अच्छा लगा है। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम तो यहाँ पे दो बार आए हुए हैं, एक बार और आए थे, एक बार यही आ रहे हैं, दो बार आए हम। पिछली बार की अपेक्षा में इस बार जो भीड़ है, कहीं ज़्यादा है या कम? भीड़ है, बढ़िया है, सब भक्त शिव जी के नाम पर शुरुआती दौर, अच्छी बात है। क्या अभी शुरुआती दौर चल रहा है, इसलिए भीड़ कम दिख रहा है? हाँ, अभी शुरुआती दौर, अभी आगे चल के बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि ये एक महीने तक रहेंगे सर? एक महीने तक नहीं, दो महीने तक रहेंगे। अच्छा, दो महीने तक। सावन भादो दो महीने तक रहते हैं। जो हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे भक्त देख रहे होंगे, जो आपका दर्शन कर रहे होंगे, और ये बाबा के दरबार से जो हम दिखा रहे हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस आप लोग से यही कह रहे हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, बाबा जी हैं, सब फल देंगे, सब बेरा पार लगाएंगे, हर चीज़ के दुख हर लेंगे। चलिए, और इससे बढ़िया क्या कहें, हम चल रहे हैं हम। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, हर हर महादेव। तो साथियों, एक विद्वान पंडित जो बनारस से हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी क्या परंपरा रही होगी, किन्होंने पहले जलाभिषेक किया होगा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं इस बाबा के साथ। स्वागत है बाबा। हर हर महादेव, और समस्त दर्शनिक को भी महादेव, आप लोगों को भी महादेव, आए हुए समस्त भक्तों को भी महादेव। अच्छा, यहाँ जो जितने भी भक्त लोग आते हैं, बहुत सारे समस्याओं का समाधान के लिए आते हैं, और रास्ते में जो कठिनाई होती है, यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं उसका कष्ट दूर हो जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कठिनाई तो जीवन का एक अंत है जी, और कठिनाई देना भी भगवान का एक कर्तव्य है जी जी, क्योंकि जब भगवान कृष्ण अवतार में आए थे, तो जब कुंती माता को ये हुआ कि सुख मांगी है भगवान से कहे, तो कुंती मैया ने कहा संसार की सारी दुख को हमें दे दीजिए, तो नारायण को कहना पड़ा कि जाइए, कलयुग में जो भी जन्म होंगे उनके लिए सुख और दुख दोनों बने हैं, और कहते हैं कष्ट क्या होता है कुछ जानकारी नहीं हो, जो महादेव का नाम लेकर के सुल्तानगंज से चला होगा उसे कष्ट नहीं होता है, ये मैं कहता हूँ। और समस्त बम भाइयों से भी, यहाँ आने के बाद में अभी मैं कल सुबह में पहुँचा हूँ, जल वल चढ़ा लिया हूँ, बाबा का दो तीन बार दर्शन भी किया हूँ यहीं से, इसके बाद में सुबह मॉर्निंग दो दिन में मैं पहुँचा हूँ। कष्ट तो था, पीड़ा थी शरीर में, लेकिन महादेव के दरबार में जाते ही सारे पीड़ा सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और जैसे गए सारी संसारत्व खत्म हो जाती है, पीड़ा उड़ा कुछ रहता नहीं है, पीड़ा तो हम लोगों की जिंदगी ही है, जीवन ही पीड़ा है, तो महादेव से कहते उसी पीड़ा को घर लेते वो। ऐसे आप रहने वाले कहाँ के? हम बस्ती उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन निवास करते हैं श्री भगवान रामनगरी अयोध्या में। ये देख सकते हैं रामनगरी अयोध्या में रहने वाले बाबा हैं, कहीं ना कहीं ये विद्वान लगते हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सबसे पहले यहाँ आके भोले बाबा के चरणों में जलाभिषेक कौन किए होंगे, तो इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये कांवर यात्रा हम मानव जीवन का आधार हो चुका है, और यही नहीं, यूपी या ब्रह्मांड के हर जगह पे भगवान महादेव का वर्चस्व है, और लोग जाते हैं कांवर लेकर के,
ये कांवर यात्रा भगवान श्री राम जी के द्वारा प्रारंभ हुई थी, जो कि पैदल चल करके भगवान का अभिषेक किए थे, उसी दिन से हम लोग कांवर यात्रा कह दिए। और कांवर यात्रा 1 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो, बस पूर्ण वही मिलता है। मन में आप भाव में भगवान का नाम लेते रहिए, कांवर यात्रा अवश्य आपका पूर्ण होगा। अच्छा, पैदल यात्रा करने के बाद बोलबम का नारा लगाते हुए जो आते हैं, उसका क्या फल मिल सकता है? अगर मांगने के लिए तो लोग बहुत कुछ आते हैं और मांगते भी हैं, लेकिन जो पद यात्रा करके जो आते हैं, बोलबम का नारा लगाते हैं, उसका क्या फल मिल सकता है? बोलबम का अर्थ ये हुआ, जब महादेव के ही एक उनके जो ससुर जी थे दक्ष प्रजापति, जब उनका सर धड़ से अलग किए महादेव, तो कहते महादेव दीन वत्सल हैं, सदैव लोगों का कष्ट हरने वाले हैं। तो जब कटा उनका, तो जब बकरे का सिर लगा तो अनेकानेक भाव में वो बोलने लगे। तो बोल बम का नहीं, बुम बम जब करते हैं तो इससे वो प्रसन्न होते हैं। हालांकि हम लोग उस तरीके से बोल नहीं पाते, इसलिए कहते बोल बम साधारण भाषा में। हाँ, साधारण भाषा, क्योंकि महादेव कहे जिस भाषा में आप हमें याद कर लीजिए। कोई महादेव कहता है, हमारे एक परम पूज्य महाराज श्री हैं, श्री राघवेंद्राचार्य जी महाराज अयोध्या के हैं, हनुमान जी को हनुमनऊ कहते हैं और भगवान शिव को शंकरऊ कहते हैं। बड़े प्रेम करते हैं वो महादेव और हनुमान से, क्योंकि कहीं ना कहीं हनुमान और महादेव एक ही हैं, हम यही मानेंगे। और राम जो प्रिय है वो सबके लिए प्रिय है, और राम के प्रिय कौन है? बाबा श्री महेश्वर रामेश्वर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। समस्त देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो देश के कोने कोने से? जय सियाराम, जय जय सियाराम, हर हर महादेव, बाबा बैद्यनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। जैसे कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर भक्तों का बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है। बाबा बैद्यनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। लोग बहुत दूरी तय करके बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करने आते हैं और बाबा को जल चढ़ाते हैं, बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलिए, बाबा बैद्यनाथ की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देवघर के हैं, देवघर के निवासी हैं, देवघर में रोज पूजा करते हैं, डेली पूजा करने आते हैं, बाबा के सावन में भी बाबा जल ले लेते हैं किसी तरह। आपका नाम क्या है? सीमा देवी। ये सीमा देवी जी हैं और ये यही के लोकल निवासी हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं? पूजा करने आते हैं, बाबा के जल चढ़ाते हैं, रोज आते हैं, डेली आते हैं, नित्य दिन तीसरे दिन आते हैं, जा रहा प्रसाद बाबा भी जल ले लेते हैं, अंदर भी जाके पूजा अर्घा में चढ़ा लेते हैं, बाहर भी कर लेते हैं, डेली आते हैं। बाबा से प्रार्थना है कि बाबा हमको देश मांग में सुख दे, कि हम रोज बाबा के दर्शन कर सके। आप कुछ नहीं चाहते बाबा से कि रोज हम बाबा के दर्शन कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बाकी और भी भक्त हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे जो दूर दराज से आए हैं, देश के कोने। ऐसे तो देश के कोने कोने से लोग आते हैं जलाभिषेक करने के लिए, उनका जो फल है बाबा बता दिए हैं किस तरीके से आने के बाद मनोकामना पूर्ण होती है। और भी लोग हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दे दीजिए यहाँ बाबा के नगरी से। देखिए, जो भी है श्रद्धालु हैं, श्रद्धा भाव से, जो भी श्रद्धालु हैं श्रद्धा भाव से आए, सबसे पहले सुल्तानगंज से जल चढ़ाएं, और वो ये ना सोचे कि हम थक जाएंगे, भाव बस महादेव पर विश्वास रखें और बोल बम या फिर ओम नमः शिवाय का नाम जपते हुए पूरी कांवर यात्रा को तय कर सकते हैं। बस उनके मन में श्रद्धा होना चाहिए कि शिव हमारे हैं, शिव पे हम पे विश्वास होना चाहिए। अच्छा, आने में जो भक्तों को तकलीफ होती है, बहुत सारे मेडिसिन लोग ले लेते हैं रास्ते में, क्या ये करना चाहिए भक्तों? देखिए, अब मान लीजिए जब दर्द आसानी हो जाता है तो लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि एक श्रद्धा है कि हमको वहाँ तक जाना है, चाहे किसी भी हाल में हम रहें, हमको जाना है तो जाना है, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी योजना बना के आते हैं, वो उस पर सफल होता है। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, मान लीजिए नहीं हो पाता है तो गाड़ी कर लेते हैं, तो भी सार्थक है, भी मान लीजिए सफल ही होता है। लेकिन क्या मेन चीज़ है, मंदिर के प्रांगण में पहुंचना। जी, अगर आप मंदिर के प्रांगण में ही पहुंच जा रहे हैं और जल लेके पहुंच जा रहे हैं तो बाबा को जल स्वीकार हो जा रहा है। जी, अच्छा, भोलेनाथ जी जो हैं यूपी में, शायद इसका ही समागम हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे लोग मर गए थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शायद वहाँ पर भोले बाबा थे या नहीं? देखिए, भोले बाबा अगर बात करें तो भोले बाबा हर जगह हैं, ठीक है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कहते हैं ना, अगर पत्थर में भी देखे तो भगवान है। जो हिंदू धर्म से आस्था रखते हैं लोग, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को तो मानते ही हैं, जो नहीं रखते हैं, जो उस हादसे में जिसकी मौत हुई थी, वो भगवान भोलेनाथ को दोष दे रहे हैं कि उन्हीं के वजह से ऐसा हो गया। उन भक्तों को क्या कहना चाहेंगे जो कुछ क्षण के लिए सुख पाने के लिए आते हैं, फिर बाद में अगर
सफलता नहीं मिलती है तो फिर इस चीज को नकार देते हैं, इनकार कर देते हैं कि भोले बाबा में शक्ति नहीं है। देखिए सुख दुख तो जीवन का पार्ट है, ठीक है, कभी दुख आएगा कभी सुख आएगा। अगर मान लीजिए हमेशा सुखी सुख रहे ना तो आदमी को घमंड रहता है जी। जीवन में दुख आना बहुत जरूरी है, तभी लोगों को अपने औकात का पता चलता है। परिचय सर आपका? हमारा नाम कृष्णा जायसवाल है और हम गोरखपुर महाराजगंज के रहने वाले हैं, यूपी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। बोल बम। तो देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रखर वक्ता कहिए या पंडित कहिए, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और जो मुख्य बातें थी उस चीज़ को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। और जो आम भक्त होते हैं, ऐसे आम भक्त के रूप में ही आए थे और ऐसे आम भक्त से भी बात करने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरीके से। आज जब से 22 आया है, 22 जुलाई, तब से लोग इस भक्ति समागम में लोग हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आइए, हमारे खबरों में बने रहिए। आइए, आपका नाम क्या है बाबा? मुकंदर कुमार गोस्वामी। अच्छा, पहले उनसे पैसा ले लीजिए। वो पैसा लेने में व्यस्त थे। चलिए, और भी भक्त होंगे तो बात करने का प्रयास करेंगे। एक बाबा हैं। अच्छा बाबा, बात करना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत सुंदर व्यवस्था है, यजमान अति आनंद है और प्रसन्न भी है। अच्छा, ये क्या है बाबा आपके हाथ में? बाबा मेन गठबंधन है। अच्छा, ये गठबंधन किसको देते हैं आप? जो सबका जिसका मनोकामना पूर्ण होता है सब लेके जाता है, यहाँ चढ़ाता भी है और लेके जाता भी है। ऐसे आपको कैसे पता चलता है कि जिसको आप देते हैं उसका मनोकामना पूर्ण हो गया होगा? वो आकर के बोलता है, चढ़ाता है। अच्छा, चढ़ाता है तो पता चल जाता है कि जी उनका मनोकामना पूर्ण जी। तो इसका महत्व क्या है? इसको किस तरीके से उपयोग करेंगे लोग? हाथ में बांधते हैं या गले में देते हैं? हृदय में बास करते हैं, बाबा और मैया का ये मेन गठबंधन है। सब कोई गला में रखते हैं, कोई कोई हाथ में भी बांधते हैं। आपका नाम बाबा? गौतम। ये गौतम जी से बात हुई, आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं और बाबा के नगरी के बारे में क्या सोचते हैं? और जो भक्तों ने बताया यहाँ के बारे में, जो हकीकत थी, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार जो जलाभिषेक सबसे पहले किसने किया था, इन सभी बातों को जो बताया गया है, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।